बज रहे हैं एंड आई एम एट TNT और यहाँ से जब मैं चलती जा रही थी तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड मिला है कबाब वाला इन। और टू माई नॉलेज मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक आंटी का कार्ड है। हम चलते हैं इनसे बात करते हैं कि यार इन्होंने ये कार्ड क्यों लगाया है, मतलब क्या है इसके पीछे इनकी लॉजिक है, और इनसे चल के बात करते हैं क्या है। रीज़न ये है कि ख़वातीन को भी खुद अपना काम करना चाहिए, मतलब किसी की सपोर्ट के बगैर इंडिपेंडेंटली अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप दूसरों के उस पर आप चीज़ें कर रहे हो, आप काम कर रहे हो और सपोर्ट करने वाला आपको पीछे कोई नहीं हो तो आपको फिर निकलना पड़ता है, अपना ये कार्ड स्टार्ट करना पड़ता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या क्या मेन्यू है? अभी तो हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया बर्गर का, स्टार्ट किया है। अंडे वाला होता है, सादा होता है, चिकन चाटनी वाला हो जाता है, और अभी हम लोग इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं चपली कबाब बर्गर भी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं क्योंकि एरिया ऐसा है और इतना लोग जो है इतना हाईली वो पेमेंट वगैरह कर नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। मैं हाँ अभी रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया सामने एरिया में पंजाब कॉलोनी में। हाँ वो प्राउड है कि भाई इस तरह हमारी बेटी जो है वो अपना खुद का बिजनेस रन कर रही है और अकेले कर रही है बिना किसी सपोर्ट के, वो हैप्पी है। अच्छा, मुझे ना तो मुझे खास खुद भी नहीं आइडिया, लेकिन आप जब गिजरी से आप आते हैं तो अंदर के साइड में ये TNT का इलाका है, तो ये जो अल्फला मस्जिद है फेमस यहाँ पे ये है, तो इस हिसाब से हम लोग चलते हैं अल्फला मस्जिद बोलेंगे तो एरिया ग्राउंड का एरिया इनका आता है ये बड़ा TNT का। आज मैं सोच रही हूँ कि चिकन शानी वाला बर्गर आपको खिला दूँ। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे अंडे शामी बन रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है वो अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, कबाब हमारे बोरे से के। अच्छा, ये जो कबाब आपने बनाए हैं ये जो है ये घर के बने हुए कबाब है? होममेड है, मैं खुद कुक करती हूँ। तो ये तो बिल्कुल घर वाला वो अम्मी वाले हाथ का टेस्ट आएगा शामी कबाब का। और हम लोग का फ्रेश होता है डेली, हम लोग ताजा माल बनाते हैं, मतलब फ्रोजन चीजें हम लोग यूज नहीं करते हैं। आपकी हेल्प कौन करता है? मैं खुद ही अपनी हेल्प करती हूँ, मुझे कुकिंग पसंद है। वन वुमेन आर्मी है। तो वो कहते हैं ना कि कराची में कुछ भी ना हो तो बस आप अंडा शामी बना के दें और दिल खुश हो जाता है हमारा। तो सिंपल सा है, गिजरी वाला ये रास्ता है, ठीक है जी। इनके पास फ्राइज भी होते हैं और इन्होंने इस तरह से यहाँ पे छोटू सा अपना सेटअप लगाया हुआ है। ऑल्सो मजे की चीज़ ये कि इनके पास अंदर बैठने की भी जगह है, तो आप फोन भी चार्ज कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मेरा हो रहा है। और स्टूल्स छोटे छोटे से रखे हुए हैं इन्होंने, और ये जो है वो इनका आउटलेट का नेम है। तो एड्रेस आउटलेट सारा इस वीडियो के अंदर है, यू गाइस कैन कम एंड यू गाइस कैन सी आल्सो। और मैं तो अब यहाँ पर जो है वो अपना अंडा शामी खाऊंगी क्योंकि देखते हैं कितने मज़े का है क्या है। और आप लोगों को मैंने एक स्पॉट ऐसा बता दिया है कि आप लोग आएँ और आके जो है वो इन लोगों को सपोर्ट करें क्योंकि इनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही है, एहतमाम यहाँ पे होया जा रहा है, उधर अंडा शामी बन रहा है, इधर मेरा बन कबाब हो गया है तैयार, ये लगा रहे हैं भाई साहब खीरे। तो वैसे लोगों का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है कि यहाँ पे एकदम से एक कितनी मैन ओरिएंटेड जगह है गिजरी, आपको पता है कि कितनी जो है सिर्फ आपको यहाँ पे मर्द ही मर्द मिलेंगे हर जगह, तो क्या कहते हैं लोग? स्टार्टिंग में तो हम लोग को बहुत थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह से लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्राउड फील करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि भाई अच्छा है, मतलब टेस्ट में भी अच्छा है और जिस तरीके से आप इसको चला रहे हैं, तो हम लोग एज अ खवातीन सपोर्ट करना चाहिए फीमेल्स को। आप जो है हमारी मेटा फूड के व्यूअर्स को क्या बोलेंगी? आप भी कबाब वाला पे आए, बन कबाब खाएं और एंजॉय करें। भाई मैं आपको एक बात बताती चलूं कि भाई ये जो सीक्रेट यहाँ पे आप देख रहे हैं शेफ जिनका यहाँ पे मजे का कार्ट है, ये देखिए मेरा बन कबाब तैयार हो गया। ये एक जिम इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी है, कैसा एक्सपीरियंस है जिम इंस्ट्रक्टर रह के आपका? बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, लेकिन आगे जॉब कर रहे थे तो मैं सोचा कि खुद का अपना थोड़ा सा बिजनेस होना चाहिए जो आगे लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, तो फिर काफी टाइम सोचने के बाद उसको क्विक किया, फिर अपना यहाँ पे शॉप का स्टार्ट किया और अभी माशाल्लाह से एक साल हो गया और अच्छा है। कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं लोगों के? नहीं, नेगेटिव तो नहीं आते। हाँ, फीमेल्स और मेल्स का स्टार्टिंग में होता था कि वो देखो औरत दुकान पे बैठी है, वो देखो शॉप पे औरत बैठी है, औरत चला रही है, चला रही, तीन तीन चार चार ग्रुप्स में जा रहे थे इशारा या हंसना चीजें। लेकिन अभी शुक्र माशाल्लाह से 3-4 महीनों के बाद ही उन्होंने रिस्पेक्ट करना शुरू किया, खुद आना शुरू किया, बैठना शुरू किया, फिर अभी जो है कमेंट्स भी अच्छे होते हैं, तो माशाल्लाह से हम लोग का फेस भी अच्छा लगता है बर्गर का। आगे पीछे सब है, इससे सस्ते वाला भी है लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा एंजॉय करते हैं खाकर। तो आपकी क्या प्राइस है? हम लोग के अंडे वाला जो है वो 120 का है, सादा जो है हम लोग 80 में दे रहे हैं और चिकन शामी वाला 150 में, तो रीजनेबल रखे हैं कि 200 हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा जो है वो बर्गर हो गया है तैयार और अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। अच्छा भाई, ये बर्गर है यहाँ पे, ठीक है जी। बीच में इन्होंने वो बन को टोस्ट किया था, उसके बाद ये रहा अंडा शामी,
ठीक है जी। उसके बाद एक और बन है, यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे केचप है। बन खासा सॉफ्ट लग रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये देखें भाई, वो जब घर का बना हुआ ना तो आप देख रहे कितना रेशेदार है ये। ये देखें, ओए घर की बनी हुई चीज़ और ऊपर से इतनी रेशेदार, वाओ। गर्मा गर्म ये है। और फुल मुझे जो है वो स्कूल याद आ गया, जब अम्मा जो हैं वो सैंडविच बना के देती थी अंडे और कबाब का, बिल्कुल वैसा वाला लग रहा है। तो इसको जो है ना अब हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह, दिस चटनी इज सो नाइस। तो भाई ये हमारा बर्गर है जो कि गिर भी रहा है। अच्छा खीरा जो है ना मैं निकाले, तो मैं टमाटर ज़रा शौक से खाती हूँ, खीरे मुझे इतने पसंद नहीं है। बहुत मेथी हो गया ये बर्गर, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल वो कबाब जो है ना आपको बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे अम्मा घर में आपको तल के देती है ना, वो फ्लेवर है। तो गाइज, इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट कि आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो आपने यहाँ पे आना है और आके इनका बर्गर, फ्राइज, जो भी आइटम्स अभी इंट्रोड्यूस कराएंगी, गर्ल्स बॉयज सारे के सारे, पूरी मेटा फूड की आवाम मुझे यहाँ पे चाहिए। और कोई ये शिकायत ना करे कि टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं अच्छा लगा इनको बताओ, ये खुद उस चीज को ठीक करेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो असली जज हैं। मैं सब यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं इनको अच्छे से सपोर्ट कर सकूँ और मेरी जो पूरी मेटा फूड की आवाम है वो भी इनको अच्छे से सपोर्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। दिस इज मी हियर साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर इज द फूड, बिकॉज मैं हूँ गिजरी के अंदर और आपने यहाँ पे आना है। खुदा हाफिज़।